हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचसीएस का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है मेंस पेपर का, आई थिंक 11th मार्च को हुआ है या 31st मार्च को, 11th फेब को तो प्री हुआ था। तो ये जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सर्च के बाद मुझे मिला है और इसके लिए मैं सॉल्यूशन डालने जा रही हूँ। मेरे पास जो है 5th क्वेश्चन क्या आया हुआ था, जो कि कंपलसरी होता है आपका, फर्स्ट ए पार्ट में डालने जा रही हूँ। क्वेश्चन आया हुआ था, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगलिक वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर सेम डी ब्रोगलिक वेवलेंथ है, देन प्रूव दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर। आपको क्या प्रूव करना था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की अगर डी ब्रोगलिक वेवलेंथ सेम है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी ब्रोगलिक ने क्या कंसेप्ट दिया था, जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव भी एसोसिएटेड होती है और उस वेव की जो आप वेवलेंथ निकालोगे दैट इज नोन एज डी ब्रोगलिक वेवलेंथ। डी ब्रोगलिक वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, इलेक्ट्रॉन की मैं सिंबल से दिखा रही हूँ, लैम्डा ई, दैट इज इक्वल टू एच बाई एम वी, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट। सिमिलरली डी ब्रोगलिक वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन इज गिवन बाई, लैम्डा पी सिंबल से दिखा रही हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू एच बाई एम पी डी, वेयर एम पी इज आपने लिख दिया होगा, एम पी इज मास ऑफ प्रोटोन। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, यहाँ से अभी मैंने वी को सेम ही लेके चला है, कुछ भी नहीं गिवन है। देखिए लैम्डा क्या होती है, एच बाई एम वी, काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई कीजिए, एम से डिवाइड, क्या बन गई एम स्केयर वी स्केयर बाई टू एम। वी नो लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाई एम वी, दैट इज इक्वल टू पी स्केयर बाई टू एम, और यू कैन से पी स्केयर इज इक्वल टू टू एम ई। तो यहाँ पे मैं सेकेंड इक्वेशन में और या जनरल फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करूँ, जनरल मेरी लैम्डा होती है एच बाई पी या एम वी कह सकते हो, तो ये दैट इज इक्वल टू पी, तो यहाँ से p की वैल्यू आ रही है स्केयर रूट ऑफ 2me। यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, लैम्डा जो है काइनेटिक एनर्जी कह लो, दैट इज़ e काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में क्या होती है h बाय स्केयर रूट ऑफ 2me। तो निकालिए आप इलेक्ट्रॉन की क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, डी ब्रोगलिक वेवलेंथ h बाय स्केयर रूट ऑफ 2me ee। सिमिलरली लैम्डा p बिकम्स h बाय स्केयर रूट ऑफ 2mp eb। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, आपने लिख दिया होगा क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है, तो इस तरह से आप लिख के आए होंगे और जो फ्यूचर में देने जा रही हूँ आई होप उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर यूजफुल होगा। लैम्डा ई बाई लैम्डा पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ 2mE डिवाइडेड बाई एच बाई स्केयर रूट ऑफ 2mPeB। एच से एच कैंसिल आउट हो रहा है, टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ MPEP बाई MEE। वी नो मास ऑफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बड़े अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट डी ब्रोगलिक वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटोन। तो यहाँ से मेरा लेमडा ई लेमडा पी भी इक्वल है और एम पी क्या है एम ई से ज़्यादा है, ये इक्वल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th वी कैन राइट एज स्केयरिंग बोथ साइड्स, एक टाइप से कह लो ये तो 1 हो गया, दोनों सेम है, एम ई ई इज इक्वल टू एम पी ई पी, और यू कैन सी ई ई बाई ई पी, हमको रेशियो निकालनी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ प्रोटोन से, दैट इज इक्वल टू एम पी बाई एम ई, बट वी नो मास ऑफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो आपके पास ई ई भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। और आप यू कैन सी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटोन। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एचसीएस का पेपर सोल्व कराइए, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप कमेंट्स भी डालिए कि आपके लिए कितना यूज़फुल है, या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ और उसको उसके अकॉर्डिंग पेपर भी सोल्व करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रैग एंगल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 111 प्लेन इन ए क्रिस्टल इज 60 डिग्री। ब्रैग एंगल गिवन है 60 डिग्री। कैलकुलेट द इंटर एटोमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल्स इफ एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1.8 × 10⁻¹⁰ मीटर आर यूज। ब्रैग एंगल गिवन है 60 डिग्री, प्लेन मेरे पास है 111, मुझे निकालनी है इंटर एटोमिक स्पेसिंग क्या है क्रिस्टल्स की, अगर वेवलेंथ मैं यूज़ करी हूँ 1.8 × 10⁻¹⁰ मीटर। देखिए आपको अच्छे से पता है, वी नो ब्रैग्स इक्वेशन इज गिवन बाई 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, यू नीड टू डिफाइन दीज टर्म्स वेयर d इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज यूज्ड, और यू कैन से वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, थीटा इज ब्रैग एंगल दैट इज 60, एन इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर।
नाउ वी नो रिलेशन बिटवीन एटोमिक इंटर एटोमिक स्पेसिंग एंड डी वेयर डी एच स्क्वायर इज गिवन बाई ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वेयर ए इज लैटिस पैरामीटर इंटर एटोमिक डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मैं निकाल रही हूँ वन 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 प्लेन के लिए वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ थ्री सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ ए यू कैन से दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन वट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर टू इंटू डी डी दैट इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा एन गिवन है मुझे वन लैम्डा भी गिवन है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर टू इंटू ए बाई रूट थ्री साइन ऑफ 60 वी नो वैल्यू ऑफ साइन 60 इज रूट थ्री बाई टू टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है ए की वैल्यू आ रही है रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो रहा है तो ए इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर यही आपको निकालना था कि अगर मेरे पास वेवलेंथ ये यूज़ हो रही है तो इंटर एटोमिक स्पेसिंग क्या है तो आपने ये कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं